घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तानी सिनेमा की 10 सबसे बड़ी या सबसे महंगी फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ऐसी 10 फिल्मों के बारे में, इंडियन 10 फिल्मों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाकर बनाया गया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। भारत में सिनेमा का कारोबार काफ़ी बड़ा है। बॉलीवुड की फिल्म में हिंदी के बॉलीवुड फिल्मों ने हिंदी के सात समंदर पार तक पहुंचा दिया है। पर अगर लागत में के हिसाब से 10 सबसे महंगी फिल्मों को देखें तो बॉलीवुड कहीं पीछे है। साउथ की फिल्में, खासकर तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर का फैलाव बॉलीवुड से किसी भी मामले में कम नहीं है, और न ही दर्शकों तक पहुंचने के मामले में ही। यही वजह है कि टॉप 10 सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में बॉलीवुड की महज 3 फिल्में ही हैं। तो तमिल फिल्म का हिस्सा इसमें 6 का है, और वहीं टॉप पर तेलुगु फिल्म बाहुबली और आगे की और भी जानकारी हम आपको बताते हैं जिसमें 10 ऐसी फिल्में के नाम हैं। तो ऐसी जो पहली फिल्म है जो नंबर 1 पे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाकर बनाई गई है, उसका नाम है बाहुबली। तेलुगु फिल्म 2015 में, अभिनेता प्रभासर। तेलुगु फिल्म बाहुबली भारत में सबसे महंगी फिल्म है। बाहुबली फिल्म 290 मिनट लंबी है और इसके बनाने में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगली फिल्म जो है एंथिरन, तमिल फिल्म है जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 132 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। अगली फिल्म के बारे में बताएं तो रावण, जो कि हिंदी फिल्म है, सन 2011 में आई थी। शाहरुख खान इस फिल्म के अभिनेता हैं और इस फिल्म को बनाने में 125 करोड़ रुपए की लागत आई थी। धूम 3 हिंदी फिल्म है जो कि 2013 में आई थी। इस फिल्म को बनाने में 125 करोड़ रुपए की लागत आई थी। कोचा दाइयां तमिल फिल्म सन 2014 में आई थी। इस फिल्म को बनाने में 125 करोड़ रुपए की लागत आई थी। पुली तमिल फिल्म है जो कि 2015 में आई थी। इस फिल्म को बनाने में 118 करोड़ रुपए की लागत आई थी। क्रिश 3 हिंदी मूवी है ये, 2013 में ये भी आई थी। इस फिल्म को बनाने में 113 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आई तमिल फिल्म सन 2014 में ये आई थी और इस फिल्म को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे थे। विश्वरूपम तमिल फिल्म सन 2013 में ये आई थी। इस फिल्म को बनाने में 95 करोड़ रुपए की लागत आई थी। कत्थी तमिल फिल्म सन 2014 में ये आई थी और इस फिल्म को बनाने में भी 90 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी जान गए होंगे कि हिंदुस्तान की 10 सबसे महंगी फिल्में कौन सी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो हम आपको देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।